going. माइक चल रहा है? एक मुझे नहीं पता था। हंसाना है, जोक बोलना है, इंक्रीमेंट से शुरू करूं? Oh, yeah! जो मर्जी बोले यार, बोल बोल। ठीक है ठीक है, मतलब बस हंसते हंसते रुलाना नहीं है सबको, तो ठीक है। मैं यूजुअली कभी भी कुछ बोलता हूँ या तो एक एक जोक या कोई सेट कर रहा होता हूँ, तो हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ नजरिए से, क्योंकि नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास नजरिया नहीं है ना, तो कोई भी ओपिनियन हो वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। नाइस। और नजरिया ये चीज सिखाता है कि कोई भी चीज के दो अलग अलग या तीन अलग अलग, मतलब मल्टी डिमेंशनल होता है हर कोई ओपिनियन या हर कोई आइडिया। और ये चीज मुझे सिखाया था जेवियर्स ने, पर टीचर्स ने नहीं, जेवियर्स के वॉशरूम ने मुझे नजरिया सिखाया था पहली बार। लिटरली लाइक मैं बहुत सारे कॉलेजेस में गया हूँ, स्कूल्स में गया हूँ, यूजुअली टॉयलेट्स में, बॉयज टॉयलेट है, पर जहां तक गया हूं मतलब जहां भी गया, यूजुअली बहुत प्यारे प्यारे चीजें लिखे होते हैं, टीना लव्स मोना एंड नहीं, ये तो थोड़ा आज के जमाने का हो, हाँ आज के जमाने का हो गया, चलो समझ लेते हैं, ठीक है, टैनिया लव्स मोना, चलो, या तो फिर एसीडीसी एमसीबीसी वो सारे चीजें हो। जेवियर्स थोड़ा अलग था, वहां पे गालियां नहीं थे, वहां पे थे कोट्स। पता नहीं लोग वॉशरूम में इतना सोच क्यों रहे होते, पर फिर मैक्सिमम आइडियाज भी वहां पे ही आते। मैं कर रहा था काम, मतलब जिसके लिए गया, और वहां पे मैं जो भी काम कर रहा था उसमें थोड़ा गुस्सा हुआ। तो जब गुस्सा हुआ था तब मैंने सामने देखा कि कुछ लिखा हुआ है, मैं सोचा कि पढ़ लेता हूं, नहीं करना चाहिए था पर ठीक है। और वहां लिखा था, योर फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स। अनुवाद करते हैं, आपका भविष्य आपके हाथ में है। ये चीज मैं कहीं और पढ़ता तो कुछ अलग ही गेम होता, पर ये वही टाइम था जब ट्रंप का इलेक्शन भी चल रहा था, तो मैं वो देखा, फिर मैं नीचे भविष्य की तरफ देखा, और फिर मैं वापस वो देख रहा हूं, भविष्य देख रहा हूं, देख रहा हूं भविष्य देख रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि ये कौन सा भविष्य के बारे में बात, क्या ये सच है कि यहां पे कुछ नहीं। चलो ठीक, समझ लो ये नजरिया है कि एक कोड जो कहीं और पढ़ता तो कुछ और होता, पर वहां कुछ और है। और ऐसे जीवियस का वॉशरूम क्रिएटिव था यार, मतलब लिटरली ये सारी चीजें बॉयज को पढ़ना चाहिए और जरूरी है लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि दूसरा एक जो उसके बाजू की बाजू में लिखा था, कम क्लोजर, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, यू आर होल्डिंग अ गन एंड नॉट अ राइफल। कौन कौन अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट पार्टी वाला या जो भी है वहां के वॉशरूम्स में गए हैं? बॉयज, बॉयज वाले ऑफ कोर्स, और ये सवाल भी बॉयज के लिए, कोई गया ऐसे स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले या तो लोकल, ऐसे क्या बोलते हैं जिसको शौचालय, वॉशरूम नहीं सॉरी शौचालय, कौन कौन गया? सब गए मोस्टली। पता है कैसे अंदर चलना पड़ता है? मैं देहरादून में गया था और वहां पे दीवार पे लगे हुए थे चीजें, बोले इतना फोर्सफुली कौन कर रहा है? पर फिर मुझे पता चला कि यहां पे शौचालय तो बना दिया है, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि करना कैसे, क्योंकि दिक्कत वही है, अल्फा में गयो इंस्ट्रक्शंस दिया है कि वॉशरूम कैसे यूज करना है, और वो इंस्ट्रक्शंस देखा है किसी ने? हाय हाय। और ऐसे नीचे एक इंसान को दिखा और ऐसे क्रॉस किया। I have seen this.
देखो तो मतलब दुनिया भर में लोग हर बोल रहे हैं, पता नहीं ये कौन सैन फ्रांसिस्को में भी इंडियंस है वैसे। पर मेरे बाहर वालों के बारे में पता नहीं मेरे को, पर अपने लोगों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि कौन इंसान है जो वहां पे नीचे बैठ के कर रहा है, सोच रहा है कि ये शायद बाल्टी होगा। पर ठीक है, अपने ऑफिस के बारे में बात करते हैं। No. कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई चीज हर एक की जिंदगी में है जिससे आप प्यार करना पड़ता है पर नफरत जरूर करते हैं। हमारे ऑफिस में भी ऐसा कोई है या कुछ है? और ये चीज हम आज बात करेंगे क्योंकि बात करना जरूरी है, और वो चीज है पीएमडी। सब लोग पता है क्योंकि पीएमडी वो लास्ट में तुम मुझे 10 टास्क और दो यार, पर पीएमडी नहीं। फिर एचआर वाले बोलते सैलरी चाहिए। आधे टाइम तुम अपने आप से पूछ रहे थे, अरे यार मैंने किया क्या? ये मीटिंग चालू हुआ क्या? मैं एक मिनट, मीटिंग तो सेलेक्ट किया पर अंदर क्या लिखूं? बहुत कुछ बात हुआ यार, वो लिखने में ही अगला एक और दिन का पीएमटी भरना पड़ेगा। पर यूजुअली किस किस का ये पहला जॉब नहीं है? यूजुअली ये पीएमटी नहीं होता दूसरे ऑफिसेस में, दूसरे ऑफिसेस में बॉसेस होते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं पर प्यार करना पड़ता है। सरे चोक की दो। बट अपने यहां मेरे को बहुत अलग एक्सपीरियंस और उल्टा एक्सपीरियंस हुआ था। मेरा बॉस मेरे से ओपिनियन पूछ रहा है, आपको क्या लगता है? मैं टीएल से पूछ रहा हूँ ये सही है? अरे तूने किया सही है क्या? मैं वहां पर ढूंढ रहा था मोइन किधर है, क्या ये प्रैंक चल रहा है क्या? मोइन पीछे से आएगा, अरे भाई प्रैंक वीडियो था। और मोइन के बारे में भी बात करना चाहिए। ऐसे कैसे कि हमने ऑफिस के बारे में बात किया पर मोइन के बारे में बात नहीं किया? क्योंकि हर कोई जगह जहां पे किसी ने बोल दिया कि ये काम करना है, ये शूट करना है, और हम लोग बोलते हैं मोइन, और पीछे मोइन अचानक से प्रश्न। अगर कौन से जन्नत है तो मोइन यहाँ का नारद है। अत्र तत्र सर्वत्र ऐसा है, हर जगह झगड़े नहीं करवाता, बस वो फायदा है, वो सिर्फ करता है। यहां का सीईओ ये फंस गया। मैं एक्टिवा लेके आ रहा हूं, बाजू में सीईओ पीछे दूसरे के एक्टिवा आ रहा है। उतना तक नहीं जा सकता, मेरा डेफिनेटली नौकरी जाएगा। अच्छा आपने बता दिया। पर पलक सर से अनुभव हुआ जब मैं उनसे वॉशरूम में मिला। <नहीं जो। laughs>
हाँ पर मैं हाँ जैसे हमारे डीएल ने मेरे डीएल ने क्या मैं या तो कुर्सी में होता हूँ या तो वॉशरूम में होता हूँ ऑफकोर्स क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट किया था आइडियाज हमेशा वॉशरूम में ही आते और थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं यार क्योंकि वहां का जो पीछे का जो एरिया है ना वो ऐसे ऐसे नहीं चला जाता अचानक से ये सिर्फ वही लोग समझेंगे जिनके पास मोटापा सॉरी रवि भाई हाँ गेटिंग बैक टू पलक सर यार कितने लोग हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे 200 250 300 लोग हैं या तो इवन कितने लोग हैं जो बोल पाते हैं कि मैं सीईओ वॉशरूम में मिला कि हम दोनों तो साथ में आते जाते तो दूर की बात सीईओ सर इनफैक्ट मैं उनको देख के मैं बोला कि यार ये तो ऐसा फीलिंग हुआ कि तुम काम करते हो टाटा ग्रुप के कंपनीज में और फिर रतन टाटा खुद वॉशरूम में और तुम मिल रहे हो रतन टाटा सर चलो वॉशरूम के बारे में बात कर ही रहे थे तो सबसे बड़ा स्कैम एड्रेस करते एक ही स्कैम है वैसे कौनसे में एक ही स्कैम एक ही चीज है जिसने कौनसे में मेरा दिल तोड़ा था और वो है ये सामने का रूम एक महीने तक मैं क्यूरियस रहा कि ये क्या रूम ऐसा सजा धजा रूम फुल ग्रीनरी आसपास झाड़ पेड़ उग रहे क्या हो सकता है एक महीने तक मैं ऐसे टेंशन में था कि नार्निया का दुनिया क्या है कि मैं दरवाजे खोलूंगा तितलियां सब आएंगी कि लाइक हाँ ब्रो और फिर मैंने पूछा नहीं पूछना चाहिए था पर मैंने पूछा देखो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा क्यूरियोसिटी अच्छा नहीं होता मैंने पूछा क्या ये और फिर मुझे पता चला कि कौन से इतना आगे कैसे आए क्योंकि आइडियाज हमेशा और अगर बाथरूम ही इतना क्रिएटिव है लोगों के आइडियाज कितने क्रिएटिव और भी बहुत कुछ है ऑब्जर्व करने के लिए पर आगे के लिए रखेंगे क्योंकि आगे भी और स्टैंड अप्स करते रहेंगे अपने थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी सच्चा प्यार जो है सच्चा प्यार तो तेरा भाई तुम ढूंढ लिया